मन में कुछ करने की चाहत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही हमीरपुर जिला के स्नाही गांव के ब्रिटेन से लौटे नौजवान बीपिन ने कर दिखाया है। लॉकडाउन के दौरान विदेश से अपने घर हमीरपुर पहुंचे युवा के द्वारा तंदूरी पिज्जा का व्यवसाय शुरू किया और पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर अब युवाओं के द्वारा अपने घर के पास पिज्जा बनाने का काम किया, जिसे लोगों ने भी बेहद पसंद किया। ब्रिटेन में 5-स्टार होटल में बतौर मैनेजर बिपिन ने सेवाएं दी और लॉकडाउन के चलते घर आ गए। कुछ समय घर पर बिताने के बाद घर के पास ही सनाही में मिट्टी से बने ओवन में पिज्जा तैयार किया और अब गांव से शहर की ओर आकर हमीरपुर शहर के बीचों बीच पिज्जा हट शुरू किया है। विदेश से लौटे हुए बिपिन कुमार ने बताया कि 2 माह पहले गांव सनाही में पिज्जा बनाना शुरू किया था और शहर से काफी लोग गांव में आते थे, इसलिए अब हमीरपुर में पिज्जा हट के माध्यम से काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि पिज्जा का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और पीएम मोदी के बताए गए मार्ग पर चलते हुए काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि एक दिन अपने लिए काम तलाश रहे थे और अब हमारे साथ 10-12 लोगों को भी रोजगार दिया जा रहा है। सबसे पहले तो बात यह है कि जब हम ब्रिटिश वर्जिन आयरलैंड में काम कर रहा था, जब हम आ गए यहाँ पे तो जरूरत तो थी कुछ ना कुछ शुरू करना है। पिज्ज़ा यहाँ पे काफ़ी फेमस चीज़ है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो हमने सोचा कि किसी यूनिक तरीके से पिज़्ज़ा दिया जाए। तो नॉर्मली जब ऑथेंटिकली पिज़्ज़ा ओवन में ही तैयार किया जाता है, आप इटली में देखोगे तो हमने सोचा चलो उसका लुक देते हैं। तो फिर उसके पीछे जितनी भी रिसर्च करनी थी की हमने, उस तरीके से उसको फिर तैयार किया। देखिए ऐसा है कि मैसेज तो यही है कि वी शुडंट गिव अप। इसको तैयार करने के लिए तो हमें पहला जो हमने तैयार किया था उसको लगे थे हमें 20-25 दिन तैयार करने के लिए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था। तो हमें कई बार मिट्टी ठीक नहीं मिल पाई, कई बार मिक्सचर ठीक नहीं हो पाया, कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, कोई कम हो गई, लेकिन देखो होते होते कम से कम 20-25 दिन में हमारे सारा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो वैसा मिल गया जैसा हम ढूंढ रहे थे। तो उतना ही टाइम लगा था इसको करने के लिए। देखिए ऐसा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई वहाँ पे, जब हमने सनाही में खोला था तो हमीरपुर से बहुत ज़्यादा लोग जाते थे हमारे पास वहाँ खाने के लिए, और वो हम हर आदमी यही बोलते थे कि आप यार हमीरपुर आ जाओ, हमीरपुर में खोलो, हमीरपुर में खोलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग इतना दूर आएँ या खाएँ। तो हमने सोचा फिर चलो क्यों नहीं करते हैं, हमीरपुर में देखते हैं, लेट्स ट्राई। तो हियर वी आर नाउ। टेस्ट का सवाल है, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन का टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी रहता है, कि इसमें थोड़ा स्वाद मतलब जैसे स्वाद हमें ज़्यादा पसंद है, थोड़ा स्पाइसी हो। बट हमने एक इसको डिफरेंट ये किया है कि अगर ये स्मोकी रहेगा, अगर ये इसमें बनेगा तो उतना हेल्दी रहेगा, ये उतना मतलब हैवी नहीं है जितना कि नेचुरल पिज़्ज़ा होता है, जो नॉर्मल पिज़्ज़ा हम खाते हैं उतना वो बहुत हैवी रहता है। एक तो उसमें प्योर मैदे का रहता है, दूसरा यह कि वो 10-15 मिनट के लिए आपका इलेक्ट्रिकल हीट में रहता है तो न्यूट्रिशंस डिप्लीट हो जाते हैं उसमें। इसमें न्यूट्रिशंस इंटैक्ट रहते हैं क्योंकि हम इसको 2-3 मिनट में, मैक्सिमम 4 मिनट में हम बाहर निकाल देते हैं। इसकी हीट जो है वो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट हीट इन द इलेक्ट्रिकल ओवन। इसमें हीट बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं हम, इस वजह से थोड़ा हेल्दी भी है। बिपिन के साथ काम कर रहे युवा ललित ने बताया कि अमृतसर के पास बाघा बॉर्डर में एक होटल में काम कर रहा था और इस दौरान पीएम मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही थी, जिसके चलते ही मन में आइडिया आया और मिट्टी का ओवन ही तैयार कर डाला और उसके बाद विदेशी पिज्जा की तरह पिज्जा तैयार किए और ये लोगों को बेहद पसंद आया, जिसके चलते अब हमीरपुर में भी लोगों को सेवाएं देने के लिए पिज्जा हट शुरू किया है। सर ये ऐसा था कि मैं अमृतसर में काम करता था वाघा बॉर्डर के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पर, और भाई साहब बाहर थे तो ये आए हुए थे, लॉकडाउन हो गया तो मैं भी घर, मेरी भी जॉब चली गई, घर आ गए। 1-2 महीने हम बैठे रहे, 3 महीने तक हमने वेट किया। फिर जब एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे मोदी जी ने उस दिन बोला कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और ये होगा, तो ना उस टाइम दिमाग में एक चीज़ आई कि ये जो कोरोना ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा। तो हम सोचें कि हमारी जॉब अगले महीने आ जाएगी तो पता नहीं कितना लंबा जाएगा, तो हमें अब खुद ही करना पड़ेगा। फिर मैंने भाई साहब से बैठ के बात की, हमने रोज़ बैठ के बात करनी क्या करें। फिर वैसे ही घर में एक छोटा सा तंदूर रखा हुआ था, तो हमारा यह है कि चलो हम पिज़्ज़ा शुरू कर देते हैं, पर पिज़्ज़ा करेंगे कैसे, ओवन कहाँ से आएगा। ओवन के लिए पहले इलेक्ट्रिक ओवन का ऑप्शन किया हमने, फिर उसके लिए हमें वो अच्छा, एक तो कॉस्टली था,
इतना हमारे पास फंड बचा नहीं था कि हम उसको परचेज कर पाते और लेकर। तो जो तंदूर था, हम भैया ने बोला कि ये क्या इसमें बन सकता है, कि मैंने उसको देखा, मैंने नहीं भैया इसमें नहीं बन सकता, हाँ अगर ये उबल हो जाएगा तो ये बन जाएगा। बस हमने वहीं से आइडिया उठाया, तंदूर को हमने ओवल बना दिया और ये शुरुआत की और ये ओवन बन गया, पिज़्ज़ा ओवन बन गया जिसे हमने ऐसे तैयार किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? मैं तो सर सबको यही बोलना चाहूँगा कि देखो हर किसी के पास अपना हुनर है, आइडिया है, हर दिमाग में है, बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है और आपको करने की ज़रूरत है। कुछ भी हो जाए, होटल इंडस्ट्री तो ऐसी है कि कई अभी काफ़ी टाइम तक नहीं उठने वाली है। होटल खुल भी जाएंगे, लोगों के मन में डर है, काफ़ी लोगों की नौकरियाँ जा चुकी हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, तो अगर छोटा छोटा अपना शुरू करें, हालांकि कुछ लोगों ने शुरू किया भी है और बहुत अच्छा है जिन्होंने शुरू किया है। ऐसे ही सर हर किसी को अपना अपना कुछ ना कुछ जो उनका आइडिया है, हर बंदे के अंदर एक आइडिया होता है, बस उसको बाहर निकालना है, ऐसा शुरू करेंगे तो बढ़िया रहेगा।